यहाँ पे काफी सारे साउथ इंडियन स्टॉल्स है, मतलब खाने के, इडली डोसा उत्तपम के, बनारसी साड़ी राइट फ्रॉम 1000 rupees 40,000 तक भी जाती है। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। हम आज फिर से दशाश्वमेध घाट में हैं, तो हम यहाँ पे आए हैं गंगा स्नान के लिए। अभी हम इस बोट में बैठ के उस किनारे पे जाएंगे सामने, वहाँ पे गंगा स्नान करके हम रिटर्न आएंगे। सो गाइस अभी हम दूसरे छोर पे पहुंच गए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आप ऊंट की सवारी कर सकते हो। सो गाइस अभी हमने नहा लिए हैं और यहाँ से अभी हम जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर जो उस छोर पे है। तो भाई सामने आप जो देख रहे हैं ये है मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे हमेशा हमेशा 24 घंटे चिता जलती रहती है। और यहाँ से शुरू होता है द काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये मणिकर्णिका घाट के पास से ये शुरू होता है। गाइस ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। गाइस अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं और हम बाहर आ गए। अंदर कैमरा वगैरह फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, आपको ये बाहर लॉकर रूम में रखना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। सर बाहर जाने के लिए तो दोस्तों बनारस में मैंने देखा है यहाँ पे काफ़ी सारे साउथ इंडियन स्टॉल्स हैं, मतलब खाने के, इडली डोसा उत्तपम के, मतलब गली गली में आपको ये स्टॉल मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ पे उत्तपम खाने वाले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइस हमने ये ऑनियन उत्तपम मंगाया है, हम लोग अभी खाते हैं, अब बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है।
जो आप देखो कि ये साउथ की डिश है और ये हम लोग अभी पूरे नॉर्थ में है, तो टेस्ट में तो फर्क होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको। तो गाइस हमने उत्तपा खाया, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि हम अभी नॉर्थ में है तो साउथ इंडियन खा रहे हैं, बट इट वॉज़ अ गुड टेस्ट। वैसे तो मुझे साउथ इंडियन नहीं खाना था, बट लेकिन इतनी भूख लगी थी कि भाई जो सबसे पहले स्टॉल दिखा हमने वहीं पे खा लिया। गाइस अभी हम यहाँ पे रुके लस्सी पीने के लिए, तो एक हमने लस्सी मंगाई है और एक रबड़ी मंगाई है। तो रबड़ी आ चुकी है, तो दिस इज हाउ द रबड़ी लुक्स, काफ़ी स्वादिष्ट लग रही है। तो अभी हम देख रहे हैं इसका टेस्ट कैसा है। जबरदस्त, मस्त है। गाइस हमारी लस्सी भी आ चुकी है। देखने में काफ़ी स्वादिष्ट स्वादिष्ट लग रही है। मेन जो है यहाँ पे सब कुल्हड़ में सर्व किया जाता है, मतलब इट रियली फील्स गुड और टेस्टी भी होता है। कैसा है गाइस? दोपहर के 4 बजे हैं और हम सुबह जो स्नान करके आए उसके बाद इतने थक गए थे कि सीधा सो गए, और बाकी सब अभी भी सो रहे हैं। मैंने सोचा चलो निकलता हूँ, मैं थोड़ा चाय पी रहे हैं, चाय पी के थोड़ा आसपास का एरिया एक्सप्लोर करता हूँ, थोड़ी देर बाद वापस मैं जाऊँगा रूम पे एंड देन हम लोग साथ में सब निकलेंगे। तो गाइस अभी हम ये मार्केट घूम रहे थे तो मैंने देखा यहाँ पे दिस इज़ द सेंट थॉमस चर्च, और ये प्रॉपर मार्केट है, मैं प्राइम लोकेशन पे। तो इट सीम्स लाइक यहाँ पे अच्छी खासी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी रहेगी, तो अच्छा लगता है जब अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ एक जगह पे रहते हैं। तो दोस्तों मैं 3-4 किलोमीटर का एरिया ऐसे ही आसपास घूम लिया और अभी जा रहा हूँ वापस रूम पे। साथ में अभी एक जगह पे गर्मा गर्म समोसे निकल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो लेके जाता हूँ 3-4 समोसे घर पे, ज़रा इसका स्वाद भी लेंगे। और जैसे मैंने कहा सुबह हमने खाना नहीं खाया क्योंकि जो नाश्ता वगैरह किया था वो इतना ज़्यादा हो गया और हम लोग सो गए बाद में, तो समोसे लेके जाता हूँ रूम पे और खाते हैं, बाद में फिर से निकलते हैं और कुछ घूमने के लिए। तो गाइस अभी हम शाम को निकले घूमने के लिए, तो यहाँ पे एक शॉप है बनारसी साड़ी के लिए, इस टाइप की वाइफ को लेनी थी, तो बेचस भाई साहब को पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि बनारसी साड़ी राइट फ्रॉम 1000 रुपीज़ तो आप लोगे जैसा 20-25-40 हज़ार तक दी जाती है, 2-2.5 हज़ार में। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे बजट में कौन सी बैठती है, एंड बजट ऐसे पहली बार हम ले रहे हैं तो वी आर नॉट सो श्योर, तो देखते हैं हम लोग। तो गाइस अभी हम गिफ्ट शॉप से निकल चुके हैं, 8-10 साड़ियाँ खरीदी है हमने, एंड दिस इज़ नॉट फॉर ओनली फॉर अस, फॉर द फैमिली एज वेल। तो चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस साड़ियों की शॉपिंग करके हम रूम पे आ चुके हैं और यहाँ से वापस निकल रहे हैं फॉर आवर डिनर।